तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइब भी कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों मेरा 4000 जो घंटे का क्राइटेरिया है वो भी यहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए जाऊँगा तो दोस्तों मेरा यहाँ से YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अप्लाई का यहाँ पर आइकन दिखाई देता है, जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर ब्लू नहीं हो रहा है, यानी कि दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल को यहाँ से मोनेटाइज नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जो YouTube चैनल को मोनेटाइज करने का जो क्राइटेरिया है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, 1000 सब्सक्राइब और दोस्तों 4000 घंटे के वॉच टाइम। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, जिससे दोस्तों आप भी यहाँ से मेहनत करोगे और दोस्तों आपका यहाँ से YouTube चैनल बाद में मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको काफी अच्छी खासी यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि मेरा यहाँ से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है। मैंने क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल किस कौन सा ऐसा रीजन है जिसके रीजन से दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। वीडियो काफी ज्यादा यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए फिर दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे 1000 सब्सक्राइब कब के यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों जो मेरा वॉच टाइम है वो यहाँ से आप देख सकते हैं 4353 यहाँ से घंटा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दोस्तों 4000 घंटे के वॉच टाइम चाहिए लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा यहाँ पर मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर अर्निंग वाले सेक्शन के ऊपर आपको जाके दिखा दूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई का आइकन था वो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल को अभी मोनेटाइज नहीं कर सकता। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऐसी मैंने कौन सी गलती की है जिसके कारण दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकता। अब दोस्तों आप लोगों को पता है, जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर लोगे और दोस्तों जो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है उसको आप जैसे ही कंप्लीट कर लोगे उसके बाद दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ से मोनेटाइज के लिए यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा तो सारा कुछ कंप्लीट है लेकिन दोस्तों फिर भी मैं इनेबल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है फॉलो कमेंट्री गाइडलाइंस करके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी एक कमेंट्री गाइडलाइन स्ट्राइक है जिसके कारण दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ से मोनेटाइज नहीं कर सकता। अब दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि यूट्यूब की तरफ से एक अपडेट आ चुका है जिसके अंदर दोस्तों अगर आपके यूट्यूब चैनल पर एक या फिर दो जो भी स्ट्राइक हैं जब तक आपके चैनल से वो स्ट्राइक नहीं हटेंगे तब तक दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मेरा यहाँ से क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ, मेरे सब्सक्राइब तो पहले से ही कंप्लीट हो चुके थे लेकिन दोस्तों जैसे ही मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम एंड पॉलिसी करके दोस्तों मेरे चैनल से एक वीडियो को यहाँ से यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल से एक वीडियो को हटा दिया गया, उसके बाद दोस्तों मेरे चैनल पर यहाँ पर एक कमेंट्री गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है। अब जब तक दोस्तों वो स्ट्राइक हटेगी नहीं तब तक दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकता। अब दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकता। अब जब तक दोस्तों इस स्ट्राइक का जितना भी टाइम है वो टाइम कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ से मोनेटाइज को इनेबल कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको भी कभी अपने यूट्यूब चैनल पर, जब भी आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पर मोनेटाइज होने वाला होता है तो दोस्तों आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी हुई है। दोस्तों मेरा तो यहाँ से क्राइटेरिया जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मैंने कुछ एक अर्निंग एप्लीकेशन का यहाँ से वीडियो अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल पर जिसके थ्रू दोस्तों मेरे यहाँ से एक स्ट्राइक आ चुकी है। अब दोस्तों मुझे 3 महीने का यहाँ से वेट करना होगा अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं करता तो दोस्तों आज तक मैं अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ से अब तक मोनेटाइज कर लेता। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि दोस्तों अगर आपका एक या फिर 2 दिन के अंदर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो रहा है तो दोस्तों आपको कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ इसी प्रकार की वीडियो को अपलोड नहीं करना है जिससे दोस्तों आपको यहाँ से काफ़ी टाइम यहाँ से लग सकता है अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। सेम इसी गलती को दोस्तों मैंने कर दिया था, मैंने एक अर्निंग एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ से वीडियो अपलोड कर दिया था और दोस्तों वो यूट्यूब की कमेंट्री गाइडलाइन के यहाँ से खिलाफ था तो दोस्तों उस वीडियो को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया और दोस्तों मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक दे दी। अब दोस्तों वो जैसे 3 महीने के बाद स्ट्राइक कंप्लीट होगी तब दोस्तों मैं यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल को एकदम सक्सेसफुल के यहाँ से मोनेटाइज कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको कभी भी ऐसी गलती को नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।